तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। आखिर किस तरीके से क्रिकेट ओरिजिनेट हुआ, क्या क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए और किस तरीके से लोगों ने क्रिकेट को खेलना स्टार्ट करा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो क्रिकेट था वो इंग्लैंड के अंदर से ओरिजिनेट हुआ। 500 साल पहले इंग्लैंड के अंदर बहुत टाइप के गेम्स हुआ करते थे जिन्हें बॉल और स्टिक से खेला जाता था। उन्हीं में से एक क्रिकेट भी था। यह गेम धीरे धीरे कर इवॉल्व होता गया, मतलब कि बढ़ता गया। 17th सेंचुरी तक यह गेम बहुत अच्छे से जाने जाने लगा था। इनिशियली जो 18th सेंचुरी थी उसके अंदर जो बैट हुआ करते थे तब हॉकी की स्टिक की तरह हुआ करते थे, मतलब लास्ट में मुड़े हुआ करते थे बैट। इसी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग बात थी, जो वो ये थी कि जब क्रिकेट लोगों ने खेलना स्टार्ट करा था तब लोग सिर्फ टेस्ट मैच से ही क्रिकेट को खेला करते थे और जो टेस्ट मैच हुआ करते थे ये लगभग 5 दिन लंबे हुआ करते थे। अब आप सोच सकते हो कि 5 दिन तक खेला जाता था स्पोर्ट ये, और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनका नतीजा आपको 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर मिल जाता है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट था जिसको 5 दिन तक खेला जाता था और उसके बाद भी ये गेम ड्रॉ भी हो सकता था। मतलब अगर आपने टेस्ट मैच खेला है 5 दिन तक तो उसका रिजल्ट ड्रॉ भी हो सकता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात क्रिकेट की ये थी कि जो पिच होती है जहाँ पर लोग क्रिकेटर्स खड़े होकर बैटिंग कर रहे होते हैं, उस जगह की लेंथ तो होती है 22 yards, लेकिन जो ग्राउंड का साइज होता है वो कुछ भी हो सकता है, अनस्पेसिफाइड होता है ग्राउंड का साइज। मतलब वो ओवल शेप का भी हो सकता है, सर्कुलर शेप का भी हो सकता है। तो ये भी बहुत अमेजिंग बात है क्रिकेट की। जैसे और स्पोर्ट्स में अगर आप फुटबॉल का देखें तो उसमें एक पर्टिकुलर साइज बताया होता है कि इतना ही होगा ग्राउंड का साइज, और अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर जाएंगे तो वो ग्राउंड का साइज उतने का उतना ही मिलेगा। लेकिन क्रिकेट के अंदर क्या है, ग्राउंड का साइज कुछ भी हो सकता है, बस पिच का साइज 22 यार्ड्स होना चाहिए। कुछ जो क्रिकेट के रूल थे उन्हें 1744 के अंदर लिखा गया था और उनसे उनके अंदर ये चीज स्पेसिफाई करी गई थी कि जो एम्पायर है उसके पास पावर होगी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की, और जितनी भी स्टंप्स, जो किल्लियां बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जितनी भी स्टंप्स होंगी वो 22 इंचेस हाई होंगी और जो बॉल होगी वो लगभग 6 इंचेस की होगी। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करी गई थी। इसी के साथ बॉल का वेट भी बताया गया था, 5 या 6 आउंस होगा बॉल का वेट, और डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टंप्स वॉज 22 yards, मतलब जो दोनों स्टंप्स, मतलब एक जो बैट्समैन की साइड जो स्टंप लगी होगी और जो बॉलर की साइड स्टंप लगी होगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 22 yard। बस यही बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाकी कोई भी चीज़ ध्यान नहीं रखनी होती। जैसे ग्राउंड का साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ स्पेसिफाइड करी गई थी। जो पहला क्रिकेट क्लब था वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया था 1760s के अंदर, हैम्बलिन डॉन के अंदर। मतलब आप सोच सकते हो कि 1760 में क्रिकेट के क्लब्स भी बनना स्टार्ट हो गए थे। द फर्स्ट लैग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड इन 1744, तो यहाँ पर एक लॉ भी पब्लिश करा गया था, फर्स्ट लैग बिफोर लॉ 1744 के अंदर। और ये लगभग वही टाइम था जब थर्ड स्टंप भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। अभी तक 2 ही स्टंप से खेला जाता था इस मैच को, लेकिन अब तीसरा स्टंप भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। धीरे धीरे करके 1780s के अंदर क्या हुआ, जो मैचेस थे वो 3-3 दिन के होने लगे और जो 6 टीम थी, 6 सीम बॉल थी, वो भी क्रिएट करी गई थी। इसी के साथ क्रिकेट के जो इक्विपमेंट्स थे उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसा चैप्टर में बताया गया है। तो एक जो बहुत सरप्राइजिंग बात है क्रिकेट के बारे में वो ये है कि आज भी जो क्रिकेट के इक्विपमेंट्स हैं बहुत सारे वो हैंडमेड है, मतलब हाथों से बनाए जाते हैं, और जो इनको बनाने में मटेरियल यूज़ होता है वो नेचुरल भी होता है और कुछ मटेरियल मैनमेड भी होता है। बैट्स जो थे वो हैंडमेड हुआ करते हैं कॉर्क, लेदर एंड ट्वाइन के,
ओनली द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो सिर्फ कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जैसे पैड्स हो गए, ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गए, ये सब सिंथेटिक मटेरियल या फिर मैनमेड मटेरियल के बने हुए होते हैं, जिनको बनाने में रबर का भी इस्तेमाल करा जाता है। जो क्रिकेट था वो सबसे पहले खेला गया था बॉम्बे के अंदर, और क्रिकेट को खेलना स्टार्ट करा था ज़ोरास्ट्रियन और पेरिस और पारसी कम्युनिटी ने, तो इन दोनों कम्युनिटी ने क्रिकेट को खेलना स्टार्ट करा था। इसी के साथ क्रिकेट का एक क्लब भी बनाया गया वहाँ पर, जिसका नाम था द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बॉम्बे के अंदर, जिसको 1848 के अंदर बनाया गया था, जो कि इंडिया का सबसे पहला क्रिकेट का क्लब था। पारसी थे, उन लोगों ने अपना खुद का एक टीम बनाई, एक खुद का ग्रुप बनाया, और इसी के साथ वहाँ पर बॉम्बे जिमखाना की और भी टीम थी, और इनके बीच में क्या हुआ करता था, कंपटीशन हुआ करता था। 1889 के अंदर एक मैच के अंदर जिसके अंदर बॉम्बे जिमखाना था, उसको डिफीट करा था पारसी टीम ने। इसी के साथ हमें बताया गया है मॉडर्न यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका करा जाता है मॉडर्न यूज़ टेक्नोलॉजी का क्रिकेट के अंदर। मॉडर्न क्रिकेट है वो डोमिनेट करा जाता है टेस्ट और वन डे इंटरनेशनल फॉर्मेट से, मतलब जो एक दिन के अंदर खेले जाने वाले मैच होते हैं उनसे ज़्यादा ये डोमिनेटेड है, और टेस्ट मैचेस से भी। जो ग्रेट प्लेयर हैं वी आर फॉन्डली रिमेंबर, मतलब जिन ग्रेट प्लेयर्स को हम लोग अभी तक याद करते हैं, उन लोगों ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है। सी के नायडू हैं उनमें से एक ग्रेट प्लेयर हैं, जिनका नाम हमें बताया गया है बुक के अंदर। ये फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया थे, मतलब जो हमारी इंडिया की टीम थी उसके जो टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्म करने गई थी इंडिया की टीम, तो उसके जो कैप्टन थे फर्स्ट टेस्ट मैच के, वो थे हमारे सी के नायडू। इंडिया बिकेम अ टेस्ट प्लेइंग नेशन इन 1932। जो इंडिया थी वो हमारी टेस्ट प्लेइंग नेशन, मतलब टेस्ट मैचेस खेलना हमारी इंडिया ने स्टार्ट करा था 1932 के अंदर। बहुत साल बाद अपने इंडिपेंडेंस के। जो टेस्ट क्रिकेट था वो बहुत ज़्यादा खेला जाता था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, और इसी के साथ साथ जो टेस्ट था वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में बहुत अच्छे से खेला जाता था। टेलीविज़न जो कवरेज थी उसकी वजह से क्रिकेट को हर घर में देखा जाने लगा, और सैटेलाइट टेलीविज़न की वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि हम लोग क्रिकेट को लाइव भी देख पाते थे। तो मैच पूरी दुनिया के अंदर लाइव देखे जाने लगे, लोगों को मैच के स्कोर लाइव पता चलने लगे, इसकी वजह से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। इंडिया जो था उसकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप थी क्रिकेट गेम को लेकर, मतलब सबसे ज़्यादा लोग क्रिकेट देखा करते थे इंडिया के अंदर, और इसी वजह से इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया क्रिकेट के लिए। 150 ईयर अगो, मतलब 150 साल पहले पारसी एंसेस्टर्स हैड टू स्ट्रगल, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी इस गेम को खेलने के लिए। लेकिन आज इंडिया के अंदर जो क्रिकेट है वो हर गली का बच्चा खेल सकता है, कहीं पर भी हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ हमारे एंसेस्टर्स के स्ट्रगल की वजह से। इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स आर द बेस्ट पेड एंड द मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड। एक बहुत प्यारी लाइन बोली गई है लास्ट में कि जो इंडिया के क्रिकेट के प्लेयर हैं बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम कमाते हैं और शोहरत कमाते हैं, मतलब बहुत अच्छा इनका नेम होता है और बहुत ही अच्छे इनको पैसे भी मिलते हैं। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा क्रिकेट के बारे में जानकर। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ। ये सवाल ये है कि द पारसी वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक क्रिकेट, वाई? ऐसा क्यों था कि पारसी फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थे जिन्होंने क्रिकेट को खेलना स्टार्ट करा था? तो इस चैप्टर का फटाफट आप आंसर बता सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इसी बात पर आप हमारे 8th क्लास के वीडियोस भी देख सकते हैं। बाय बाय, टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।